हमारे साथ मौजूद हैं लांजी विधायक हिना कावरी, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपका उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आपने भरा है और कल अध्यक्ष पद के लिए भी मतदान हुआ था, तो क्या कुछ कितना सिक्योरिटी आपको लेके इसको जी पद के लोगे, कितना सिक्योरिटी के होगा? कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और मैं एकदम श्योर हूँ। तो बीजेपी उसके लिए हंगामा जरूर करेगी, उसके लिए बचा क्या है बीजेपी के पास हंगामा करने के अलावा? कोई दूसरा काम हो तो बात करें हम। आप पहली बार विपक्ष से सत्ता पक्ष में आई हैं जी, यहाँ पे रही, तो क्या आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और पिछले 5 साल हम लोग विपक्ष में रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको पूरा विश्वास है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने लागू किया है वो इस मध्य प्रदेश का पूरा आईना है और हम उसको लागू करवाने में पूरी ईमानदारी और जवाबदारी के साथ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर काम करेंगे। यहाँ पे बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो बहुत पिछड़ा हुआ ऐसा माना जाता है आपको, पिछले बार बहुत सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि सरकार थी, अब क्या कुछ कहेंगे आपके क्षेत्र को लेके? देखिए, अब तो हमारी सरकार है, अब तो हमारी सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के लोगों को जो उम्मीदें सरकार के साथ थी है उनको हम पूरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ जरूर है, लेकिन एनपी श्रीवास्तव जी जो इस मध्य प्रदेश विधानसभा में जिन्होंने उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है, मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि उसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला है और मैं पूरी ईमानदारी और जवाबदारी के साथ इस पद के निर्वहन करूंगी। हमारे साथ मौजूद थी लांजी विधायक हिना कावरे जी, उन्होंने बातचीत की अपने विधानसभा क्षेत्र को लेके और उन्होंने बताया कि अब हमारी सरकार है और हम बिल्कुल विकास कार्य करेंगे अपने क्षेत्र को लेके। कैमरामैन नितिन मालवी के साथ आकाश धोनी, MSTV भोपाल।